कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को लेकर यह फैसला लिया गया है। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। बता दें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही साथ भाजपा नेता मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी दोनों नेताओं ने खुद सोशल मीडिया पर दी है। और इधर देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी यूपी में कोरोना को लेकर वीकेंड कर्फ्यू पर आज निर्णय हो सकता है। कारोबारी नगरी मुंबई से जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने मंगलवार को मीडिया से कहा है कि कोरोना के डेली केसेज 20,000 के स्तर को पार करने के बाद मुंबई में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी यूपी में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू लगाया है। और इसी बीच पंजाब से भी बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ कोविड 19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और इसके साथ ही सिनेमा घरों को 50% क्षमता के साथ संचालित करने का मंगलवार को फैसला लिया है। गृह एवं विधि विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार पंजाब के सभी शहरों और कस्बों की नगरपालिका सीमा के भीतर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा, वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। एक और समस्या अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशन हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या, और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशन पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहां भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई, और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मास्क को एक हथियार बनाए, साथ साथ बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि मास्क लगा के चलेंगे, लेकिन सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को लेकर यह फैसला लिया गया है। दरअसल दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से अब सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही साथ आज भाजपा के नेता मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस बात की जानकारी इन दोनों नेताओं ने खुद के सोशल मीडिया पर दी है। इधर देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी यूपी में कोरोना को लेकर वीकेंड कर्फ्यू पर निर्णय हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अनुज तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वो चाहे दिल्ली का जिक्र करें, मुंबई का जिक्र करें, उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, पंजाब का जिक्र करें, हर जगह मामले लगातार बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग निर्णय लिए जा रहे हैं। अभी तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा था लेकिन अब वीकेंड कर्फ्यू पर भी सरकारों ने फैसला लेना शुरू कर दिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश से क्या कुछ खबरें सामने निकल करके आ रही हैं वीकेंड कर्फ्यू को लेकर? जी बिल्कुल योगेश, सही आप कह रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना काल शुरू हुआ था और उस कोरोना काल में सबसे पहले हमारे लोगों ने
कोविड का नाम जाना कि कोविड-19 के नाम से कुछ एक है जिसको कोरोना कहते हैं, और सबसे पहले हमने वेरिएंट देखा तो डेल्टा वेरिएंट का सामना किया, फिर दूसरी लहर में हमने जिस तरह से डेल्टा प्लस का सामना किया, और अब तीसरी लहर में ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं। इस ओमिक्रॉन को लेकर के जहां एक तरफ जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि फरवरी की वीक में ये बिल्कुल पीक समय पर होगा और लगभग 20,000 से 50,000 तक के जो मरीज हैं वो सामने आएंगे खुल करके, लेकिन जहां तक टीकाकरण हो रहा है टीकाकरण के चलते मौतों की संख्या थोड़ी कम रहेगी। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, देखिए 2022 का चुनाव भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगा हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में मौजूदा सरकार भी बहुत फूंक के कदम उठा रही है क्योंकि चुनाव सर पर लगे हुए हैं और चुनाव समितियां भी जिस तरह की चीजें सामने लेकर के आ रही है कि आप वर्चुअल रैली करिए, आप लोगों की भीड़ इकट्ठा मत करिए, ऐसी स्थिति में आज की डेट में उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये मीटिंग कर रहे हैं और इसका निर्णय लिया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी अभी तक जो नाइट कर्फ्यू था 11 बजे से सुबह 5 बजे तक वो बढ़ा करके अब शायद ये वीकेंड कर्फ्यू में तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि देखिए लगातार रैलियों पर रैलियां चल रही हैं। अभी हाल फिलहाल में योगी जी ने भी कानपुर के अंदर रैली की, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर रैलियां की हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना सामने आ रहा है, ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको देखते हुए, उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आज ये मीटिंग बैठी है, मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और अध्यक्षता के साथ ही साथ इस बात का निर्णय लेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी वीकेंड कर्फ्यू लागू किया जाए या ना किया जाए। अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये वीकेंड कर्फ्यू को ये माना जा सकता है कि पूरी तरह से कर्फ्यू में तब्दील किया जा सकता है अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, एक चीज बात कहेंगे योगेश, सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह की रैलियां चल रही, भीड़ इकट्ठा हो रही है, गैदरिंग हो रही है, अगर ओमिक्रॉन का 1 या 2% मरीज भी उस रैली में शामिल होता है तो एक ब्लास्ट कर सकता है उस रैली में और काफी लोग वहां पर इस तरह के पाए जा सकते हैं पॉजिटिव ओमिक्रॉन के लिए। तो इस चीज को जिस तरह की ये लागू हो रही है, या नाइट कर्फ्यू लागू था या इस तरह के जो वीकेंड कर्फ्यू लागू हो रहे हैं, इसके अपेक्षा इस तरह की रैलियों पे थोड़ा सा रोक लगाया जाए, कि चुनाव समिति इस बात को थोड़ा सा निगरानी करे कि अगर रैलियां करी जा रही है तो वर्चुअल रैलियां इनको आगे ध्यान में रख के करवाई जाए। योगेश बिल्कुल अनुज, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों के साथ साथ सरकारों की चिंता भी बढ़नी लाजमी है। लेकिन अब जिस तरीके से 15 से 18 वर्ष के लोगों को, बच्चों को जो टीकाकरण भी शुरू कर दिया गया है कल से और लगातार अब ये जारी है, लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों के लिए अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात क्या है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही है जो ग्राफ है, ओमिक्रॉन के मरीज भी मिल रहे हैं। हालांकि अभी तक अगर हम व्यक्तिगत कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर के अंदर लगभग जो एक्टिव केस है वो 45 के आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि उसमें जो केस मिले हैं वो ओमिक्रॉन का कोई भी वेरियंट कानपुर के अंदर अभी तक नहीं मिल पाया। वहीं अगर हम अलग अलग जिलों की बात करते हैं तो अन्य जिलों में ओमिक्रॉन के कुछ वेरियंट उत्तर प्रदेश के अंदर पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम वेरियंट के बाद के साथ ही जो कोरोना की स्थिति है उसके हम अगर चर्चा करते हैं तो एक बार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की हम चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग हालांकि इस चीज को लेकर बहुत मुस्तैद है, अभी हाल ही फिलहाल में स्वास्थ्य विभाग ने 5,000 डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया है कोरोना को लेकर चलते हुए। उसके अलावा 551 जो ऑक्सीजन प्लांट है, जो कि हमने देखा था कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बहुत समस्या हो गई थी, लोगों ने सड़कों पर खड़े होकर के ऑक्सीजन ले रहे थे, लाइन लगा करके ऑक्सीजन ले रहे थे, ऐसी स्थिति में कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने 551 जो ऑक्सीजन प्लांट है वो चालू करवा दिए हैं। इसके अलावा 6,700 बेड चिन्हित किए गए हैं और इसके अलावा जो 6,700 हैं उनमें से 3,490 जो बेड हैं वो कोविड-19 के बेड होंगे। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो हर जिले में जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें 100 बेडों की व्यवस्था करी गई है, जबकि मेडिकल के जिले के अस्पताल में 50 बेडों की व्यवस्था करी गई है, और वो जो 50 बेड होंगे उसमें 18 जो बेड होंगे वो ओमिक्रॉन के कोविड के पेशेंटों के लिए विशेष कर है। यहाँ पर वेंटिलेटर तैयार कर दिए गए हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर दिए गए हैं, इसके अलावा 26,900 ऑक्सीजन ट्रांसलेटर भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि तैयार कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग तो मुस्तैद दिख रहा है, और साथ ही साथ देखिए कल से काफी भीड़ लगनी शुरू हो गई, जो 15 साल के आसपास के बच्चे थे उनका भी टीकाकरण हो रहा है, तो बच्चों के अंदर भी ये कहीं ना कहीं उत्सुकता है कि अब हम भी कोरोना से युद्ध लड़ सकते हैं, जंग लड़ सकते हैं। ये चीजें स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन आने वाला समय क्या होगा, किस तरह से मरीज और बढ़ेंगे और उसका सामना प्रशासन और जिला प्रशासन किस तरह करेगा, स्वास्थ्य विभाग करेगा, ये सब समय ही बताएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, हमारे साथ जुड़े हुए थे कानपुर से संवाददाता, तो जिन्होंने बताया कि लगातार सरकारों के द्वारा
द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं, मुस्तैद प्रशासन नज़र आ रहा है, लेकिन कोरोना के मामलों को देखते हुए ये ज़रूर है कि जिस तरीके से एक बार फिर से वीकेंड कर्फ्यू लगाने पर सरकारों को मजबूर होना पड़ रहा है, ऐसे में लोगों अगर सतर्क नहीं हुए तो आने वाले समय में हो सकता है एक बार फिर से कर्फ्यू, पूर्ण कर्फ्यू लग सकता है।